हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स में इट सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फिफ्टीथ ऑफ फरवरी 2021 तो so, 15 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपको बता दो कि हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज चल रही है इसके अलावा सी का कोर्स चल रहा है दोज हु वॉन्ट टू जॉइन दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स के द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थोल पावा कुथू तो थोल पावा कुथू की रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पपेट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ केरला दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज परफॉर्म्ड एट द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड थिएटर कॉल्ड कुथू मदाम इन फ्रंट ऑफ द भगवती टेम्पल तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट यूजेस तमिल एपिक कम्ब रामायण एज इट्स बेसिक टेक्स्ट एंड चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज नी निजाल कुथू एंड ओला कुथू तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द थोल पावा कुथू ऑप्शन आर गिवेन एज वन टू का फोर टू थ्री एंड वन टू थ्री एंड फोर वन थ्री एंड फोर या ऑल ऑफ दी है ना तो इनमें से आप कौन सा आंसर सही है आप बताएंगे दूसरा सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यू ए होप मिशन तो यू ए के होप मिशन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है पहला स्टेटमेंट कह रहा है यू हैज़ बिकम द फिफ्थ कंट्री टू रीच मार्शियन ऑर्बिट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लुक फॉर द साइन ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ कैश रॉक एंड सॉइल सैम्पल्स एंड प्रिपेयर द फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विज्ञान ज्योति प्रोग्राम तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन इट इज एन स्टेप टू इंकरेज गर्ल्स टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या

पहले अपन क्या करते हैं कि एडिटोरियल्स डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों ने भी बोला था कि बेटर अप्रोच है एडिटोरियल्स हम पहले डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम फाइनल आपका वो देखेंगे जो न्यूज़ एनालिसिस वाला पार्ट है ठीक है ना तो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स फर्स्ट पहला एडिटोरियल है फजी लॉ अनक्लियर ज्यूरिस्पिडेंस एंड ट्रैम्पल्ड राइट्स अब हुआ क्या था रिसेंटली अगर आपको याद हो तो जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय कुछ हैशटैग चले है ना जीवनोसाइट से रिलेटेड हैशटैग चले तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ट्विटर को कि आप ये सारी चीज़ें जो है इनको बंद करवाइए अकाउंट्स को होल्ड करिए अकाउंट्स को हटा दीजिए ठीक है ना ट्विटर ने उसके लिए कुछ मतलब कि अलाइन किया एज़ पर द रूल्स ट्विटर uh, ने उनको हटाया ठीक है ना लेकिन कुछ दिन कुछ दिनों बाद उन्होंने उसको दोबारा से बैक uh, कर दिया उन अकाउंट्स को दोबारा से चालू कर दिया नॉ गवर्नमेंट इज सेंग टू ट्विटर दैट कि आप लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करें देर फॉर प्रोसिक्यूशन विल बी देयर ठीक है ना आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाएगा और आपके जो एम्प्लॉज हैं उनको भी अरेस्ट करने के पावर गवर्नमेंट रखती है देखो अब ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ देखो ट्विटर ने जैसे ही रिस्टोर किया तो एक शार्प रिएक्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने नॉन कम्प्लाइंस का नोटिस दिया ट्विटर को कि आपने नॉन

इट गिव्स द पावर्स टू द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू इंटरमीडियरीज फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन दैट इट कंसिडर्स प्री जुडिशियल टू अमंग अदर थिंग्स द दॉवरिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी चीज़ को बिना कोर्ट्स की परमिशन के मतलब बिना कोर्ट्स के साथ डिस्कशन किए हुए अगर गवर्नमेंट को चीज़ लग रही है कि ये जो 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 भी बात लिखी गई है ये सही नहीं है फॉर द सावरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी और फॉर द पब्लिक ऑर्डर तो उस चीज को वो विड्रॉ करवा सकते हैं इंटरमीडिएट्स को कह करके अब देखो ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड पावर एक तरीके से कहना चाहिए कि जैसे हम लो, हम लोग को लगता है कि यार राइट टू तो फ्री स्पीच लिमिटेड होना चाहिए बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ भी बोलो लेकिन कई बार क्या होता है गवर्नमेंट्स अपने मतलब को पूरा करने के लिए भी आपकी किसी भी बात को बोल सकता है कि ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है कोई भी आप बात बोलेंगे तो बोल दो अगर मैं बोलूँ अपने घर में कि मुझे खाना चाहिए तो मेरे घर वाले ये बोलने लगे अगर कल को कि नहीं आप अगर ऐसी बातें करोगे तो फिर सबको भूख लगेगी और ये हमारे हाउस ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है तो ये तो फिर गलत है ना कि मेरे, मैं ये ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे को भूख लगी हुई है तो वही चीज है कि गवर्नमेंट कई बार किसी भी चीज को बोल सकती है कि ये पब्लिक ऑर्डर वेक टर्म्स इसलिए इसको ने पॉइंट आउट किया है फिर सेक्शन 69 ए का जो थर्ड पार्ट है सेक्शन सेक्शन 69 ए थ्री जो है इट इन जेल सेंटेंस फॉर अप टू सेवन इयर्स फॉर इंटरमीडियटीज हु फेल टू कंप्लाई अब इसी के अंतर्गत सात साल तक की सजा का प्रावधान है फॉर द इंटरमीडियटीज जो कि फेल होते हैं टू ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है ना एंड गवर्नमेंट ऑल्सो इशूड ब्लॉकिंग रूल्स दो में गवर्नमेंट ने ब्लॉकिंग रूल्स भी निकाले थे विच सेटअप द प्रोसीजर फॉर ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग जो कि सेटअप करता है प्रोसीजर्स को कि कैसे ब्लॉक आप करेंगे कंटेंट को या गवर्नमेंट जब आपको कहे तो किस तरीके से आप उसी कंप्लेंट को लेंगे और ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए मतलब कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आप सामने वाले को ब्लॉक भी कर दोगे आप सामने वाले का अकाउंट बंद कर दोगे और उसको बताओगे भी नहीं कि कौन से किस कारण से आपको बंद किया गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इज ऑल्सो देयर तो समझ रहे ना कितनी ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं तो ऑथर ने वही चीज़ बोली इसको कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स ये वायलेशन ऑफ राइट्स है प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि पहले तो ये सेंसरशिप करता है ठीक है ना सेंसरशिप जो है गवर्नमेंट को बिना किसी कॉस्ट के हो जा रही है गवर्नमेंट को किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही है कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा है गवर्नमेंट खुद ही इंटरमीडिएट को बोल दे रहा है कि कंटेंट को ब्लॉक कर दो और ये बर्डन जो है वो किसके ऊपर जा रहा है वो यूज़र्स के ऊपर जा रहा है कि वो प्रूव करें कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है ना तो ये बर्डन भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाएगा तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको कि ऑथर ने यहाँ पे उठाया है इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर उसको इतना ईजी ऑप्शन मिल रहा है किसी भी स्पीच को दबाने को फ्री स्पीच को दबाने के लिए सेंसरशिप करने के लिए तो वो क्यों नहीं उसका यूज़ करेगा बिल्कुल उसका यूज़ करेगा फिर इसके बाद आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट कर दी कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी डाल दिया मतलब कि आप यूजर को ब्लॉक करोगे फिर यूजर को पता भी नहीं चलने दोगे कि उसको ब्लॉक किया क्यों

तो कहना चाहिए कि जो प्रो, प्रोसीजरल सेफ गार्ड है वो बिल्कुल भी नहीं है इस चीज में तो ये सारी चीज़ों का करती क्या है दिज ऑल वॉयलेट द फ्री स्पीच राइट एज वेल एज राइट ऑफ ड्यू प्रोसेस तो राइट टू ड्यू प्रोसेस भी वॉयलेट हो रहा है एंड राइट टू फ्री स्पीच तो वायलेट हो ही रहा है अब एक फेमस केस के बारे में ऑथर बोलते हैं श्रेया सिंगल केस जिसमें कि सेक्शन 66 ए जो था उसको स्ट्रक डाउन किया गया था तो याद रखिएगा श्रेया सिंगल केस में सेक्शन सिक्सटी सिक्सटी सिक्स ए जो था छाछ ए जिसको बोलते हैं 66 ए उसको आपको उसको क्या किया गया था स्ट्राइक डाउन किया गया था एंड दूसरी चीज जो सेक्शन 69 ए था उसको अपहेल्ड भी किया गया था तो ऑथर वही चीज बोला कि सेक्शन सिक्सटी ए में तो गवर्नमेंट ने काफी ज़्यादा मतलब कोर्ट ने काफी ज्यादा ध्यान दिया था काफी ज्यादा पढ़ा था और उसके सारे रिप्रिक समझने की कोशिश की थी लेकिन सिक्सटी ए उतने डिटेल से नहीं देखा गया और जरूरत यह है के अकॉर्डिंग uh, कि यू चैलेंज इट ऑल्सो आप उसको तो चैलेंज ही नहीं कर सकते बिकॉज द लॉ विच नॉट सी यू कैन नॉट चैलेंज दैट आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्यों वायलेट किया गया तो आप किस बेसिस पे चैलेंज करोगे तो आर्बिट्री बेसिस पे करोगे वही सारी चीजें तो ऑथर ने बोला इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैड लॉ अनक्लियर ज्यूरिस्पिडेंस तो ये सारी टेंशन की सिचुएशन इसीलिए क्रिएट हो रही है इसीलिए ट्विटर के इंटरमीडिएट्स जो हैं इन ये भी परेशान है कि भाई अगर इतना ज़्यादा वेग है चीज़ें और इतनी ज़्यादा आर्बिट्ररी है चीज़ें तो वो तो उनके एम्प्लॉयज़ तो जेल भी जा सकते हैं बिल्कुल सही बात है है ना गवर्नमेंट की जब पूरी इतनी मर्जी चल रही है तो उनके एम्प्लॉयज़ तो जेल भी जा सकते हैं सो देर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर लीगल एंड ज्यूरस प्रोडेंशियल रिफॉर्म्स ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे लीगल एंड ज्यूरस प्रोडेंशियल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जरुर, है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होगी कि प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्टली ऑर्डर इंटरमीडिएट्स टू ब्लॉक द एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कोर्ट को ये करना चाहिए कि वो ये चीज़ ब्लॉक कर दे कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरमीडिएट्स को बोल सके कि यार आप तो ये चीज़ हटाओ आप तो ये कंटेंट हटाओ है ना ये नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि Uh, मतलब कि अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा नैरो टर्म्स में होना चाहिए गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड पावर नहीं होने चाहिए कि आपके आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को या आपके जो भी आपने बोला उसको हटाने की इतनी आसानी से इतनी पावर आपको मिलनी चाहिए तो ये चीज़ ऑथर ने कहा यह चीज़ होनी चाहिए एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दूसरी पार्टी को सुनने के लिए भी मतलब यू शुड हैव एन एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू हियर हियर द अदर पार्टी एंड द अदर पार्टी शुड बी गिवन इनफ चांसेस टू डिफेंड हिमसेल्फ ठीक है ना उनको डिफेंड करने के लिए भी इनफ वो देना चाहिए इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा हैटेंट दैट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बी मेड पब्लिक एंड दस इवन अंडर द करेंट लीगल रिजीम एफेक्टेड पार्टीज बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फेयर हियरिंग बिफोर ब्लॉकिंग ऑर्डर इज इशूड तो ब्लॉकिंग ऑर्डर जब मिला जाए होने लगे तो उसको पहले पब्लिक करो ताकि पार्टी को पता रहे और पार्टी खुद को डिफेंड कर सके बिफोर दैट ब्लॉकिंग ऑर्डर इज इशूड ठीक है ना तो दिस प्रोसेस विल इन्श्योर दैट ब्लॉकिंग ऑर्डर इज रीजन वन एंड तभी जा करके इसको इफेक्टिवली आप चैलेंज कर सकते हो ठीक है ना तो so, ये सारी चीज़ें ऑथर ने इस आर्टिकल में बोली आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द बहुत अच्छा आर्टिकल था है ना काफ़ी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की है आप लोग अगर आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ सेक्शन सिक्सटी ए क्रिटिकली डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ सेक्शन सिक्सटी ए ऑफ द आई एक्ट इसके ऊपर अगर आप आंसर लिखना चाहें तो डू गिव मी सम पॉइंट्स इन दैट दूसरा आर्टिकल है अ डिसंगेजमेंट डील बेटर देन एक्सपेक्टेड तो यहाँ पे तो सिंपल आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है यहाँ ऑथर ने वही बोला है कि जो डिस प्लान आया है बिफोर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंडिया एंड चाइना का जो डिस प्लान है वो बेटर है बेटर देन एक्सपेक्टेड है लेकिन हमको ये देखना है कि वी हैव टू बी कॉशियस डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्लानिंग वी नीड अ कॉशियस डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्लानिंग एंड हॉक लाइक विजिल बाय इंडिया विल बी नीडेड इन इट्स इंप्लीमेंटेशन तो हम इम्प्लीमेंट होते समय हमको बहुत ज़्यादा विजिल रखना पड़ेगा विजिलेंट रहना पड़ेगा एंड काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक डिप्लोमैटिक मिलिट्री प्लानिंग करनी पड़ेगी ऑथर ने बोला कि दो जो है वो पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसमें डिसंगेजमेंट की बात चालू हो गई है एंड पीसफुल रेजोल्यूशन हुआ भी एल ए के जो इसमें चाइना और इंडिया दोनों ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम अपनी अपनी जगह में वापस चले जाएँगे जो अप्रैल का था उसके पहले हम चले जाएंगे ये काफी जो अभी बीच में हुआ गलवन में इंसिडेंट हुआ पंद्रह जून दो हजार बीस को वो पचहत्तर नाइनटीन फाइव के बाद आफ्टर नाइनटीन फाइव ऐसा पहला इंसिडेंट था जिसमें जान गई हो जिसमें इस तरह की इस तरह का कोलेट्रल डैमेज हुआ हो इस तरह का कोलेप्स हुआ हो सो दिस वॉज आफ्टर नाइनटीन सेवनटी फ़ाइव फॉर द फर्स्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशूज़ बिगड़ गए थे एंड पीस एंड ट्रैंक्लिटी जो थी इस रीजन की पूरे पैंग से गलवन रीजन ये सारे रीजन की जो पीस एंड ट्रेंकुलिटी थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी द स्टैंड ऑफ़ एट द पेंगोंग लेक वॉज बट वन ऑफ द सेवरल इन ईस्टर्न लद्दाख बट अनडाउटेडली द मोस्ट सिग्निफिकेंट तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ था बहुत सारे बार बहुत बार हो चुका है यहाँ पे स्टैंड ऑफ लेकिन ये जो था ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी एंड डिग्री जितना लॉस हुआ हमने देखा कितने लोगों के जवान शहीद भी हुए हमारे है ना तो ये भी हमने सारी चीज़ें देखी फिर यहां पे हमने देखा कि चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू अल्टर द प्रोग ग्राउंड सिचुएशन बिटवीन फिंगर फोर टू एट अब क्या है चाइना फिंगर एट उधर रहता है तो अब वो इधर साला फिंगर फोर फिंगर फाइव तक आ गया है ना बताओ इतना ज्यादा वो इनसाइड आ गया आपकी आपके एरिया में आ गया फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना भी शुरू कर दिया फिंगर एट के इधर साइड भी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया अब ऐसा नहीं कि इंडिया इस तरफ इस समय खाली बैठा था इंडिया ने भी एडवांटेजेस पोजिशन ली कहाँ पर ली कैलाश रेंज वाले रीजन में ली सदन बैंक वाले रीजन में एंड देयर दे डोमिनेटेड द की चाइनीज गैरिसन जो मोल्डो क्रॉस पे है आपका वहां पर उन्होंने की पोजीशन ली इन कैलाश रेंज सदर्न पार्ट में चाइनीज गैरिसन एट मोल्डो अक्रॉस द इस स्पंगूर गैप, गैप याद रखेगा मोल्डो वाले रीजन में इस गैप है वहां पर इन्होंने एक स्पेसिफिक पोजीशन ले ली थी इंडियंस ने भी है ना और डोमिनेट डौ, कर दिया था जिससे चाइना भी थोड़ा परेशान था वो कह रहा था कि भाई आप भी हटो यहाँ से ये यह वो है ना सारी चीजें द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड बाय चाइना फ्रॉम फिंगर एट टू टूवर्ड्स फिंगर फाइव एंड फोर

थापा पोस्ट धनसिंह थापा पोस्ट के पास हमने भी कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नियर फिंगर थ्री तो वो भी काफ़ी परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर है फॉर इंडिया टू तो बीइंग देयर है ना अब जो डिसंगेजमेंट प्लान उसमें चाइना ने एग्री किया कि दे विल पुल बैक है ना जो डिप्लॉयमेंट था उनका आगे हो गया था वो पुल बैक करेंगे प्लस वो अपना जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है नया उसको रिमूव करेंगे दे विल रिमूव द कंस्ट्रक्शन एज वेल डिसमेंटल ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड आफ्टर अप्रैल 2020 तो अप्रैल 2020 के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है उसको डिसमेंटल किया जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे अच्छी बात है जीत एक तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी की इंडियन नेगोशिएशंस की इंडियन मिलिट्री सुपरियोरिटी स्प्रियो, स्प्रियो, की एंड हमको भी क्या करना है थोड़ा पीछे आना है इंडियन प्रेजेंस आल्सो हैज टू बी रिड्यूस क्योंकि चाइना ने कहा है कि आप भी पुल बैक करो है ना हम भी फिंगर थ्री फिंगर थ्री वाले रीजन तक आ जाएंगे जहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सो दिस इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में आगे आएगा एंड इसके बाद पीस भी हो सकता है प्रिवेल करे इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकें इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर सकें वंस दीज थिंग्स आर ओवर अगला जो आर्टिकल है वो है एंडलेस वॉर ये जो वॉर की बात चल रही है ये सऊदी अरेबिया वर्सेस यमन की बात चल रही है सऊदी अरेबिया और देखो मैप में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की लोकेशन है सऊदी अरेबिया ये ऊपर वाला पार्ट है और यमन ये नीचे वाला पार्ट है ये कंट्री यमन है अब यहाँ पर क्या थे यमन में थे हाउदी रेबल्स हाउदी रेबल्स बोलते हैं उनको जो कि हाउदी रेवल्स थे ठीक है ना अब सऊदी अरेबिया ने क्या किया उन्होंने यमन के अंतर्गत अपने आदमी को बैठाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन ऐसा खराब हुआ है इसलिए ये व्यक्ति जीतेगा बट हाउदी रेवल्स ने उसका अपोज किया हाउदी रेवल्स ने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी तो 2015 में एक तरीके से कहना चाहिए वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट हो गई बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यमन जो कि आज भी चल रहा है पहले से बहुत सारी कंट्रीज आई लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि ये तो एंडलेस वॉर हो गया है तो वो उन्होंने फिर पुल बैक करना शुरू कर दिया यूएस ने भी बहुत मदद की यू ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया अगेंस्ट द हाउदी रेबल्स न केवल बराक ओबामा ने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट किया था बराक ओबामा ने भी सपोर्ट किया था एंड डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ ज़्यादा ही किया उसने हाउदीज को क्या किया एक टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित कर दिया यमन ये, ये ये बराक ओबामा ने केवल सऊदी को सपोर्ट किया था इन द वॉर अगेंस्ट हाउदी रेबल्स बट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया हाउदी को क्या किया टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर कर दिया तो इस कारण से जो हाउदीज हैं दे आर वेरी मच डिप्रेस बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने ये भी कहा कि हमको इस तरह से टेररिस्ट आप मत घोषित करो ठीक है ना छोटी कंट्री से आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग टेररिस्ट हो गए अब जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है जो बाइडन गवर्नमेंट इट इज़ टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स पहली चीज़ तो उन्होंने कोशिश की है कि हाउदीज को अब टेररिस्ट का जो जो नाम दे दिया गया है उससे हटाया जाए पहला स्टेप दूसरा स्टेप उन्होंने क्लियर टर्म्स में कह दिया है सऊदी अरेबिया को कि दे वॉन्ट बी हेल्पिंग देम फर्दर इन द वॉर अगेंस्ट द यमन हाउदी रेवल्स ठीक है ना तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो सऊदी की मदद नहीं करेंगे इन द वॉर अगेंस्ट द यमनीज यमनीज जो हाउदी रेवल्स हैं उनके अगेंस्ट वॉर में वो मदद नहीं करेंगे सो दस अ पॉजिटिव स्टेप इन द यू एस वेस्ट एशिया पॉलिसी सबसे अच्छी बात है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि यूएस की वेस्ट एशिया पॉलिसी में देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द जो बाइडेन गवर्नमेंट जो बाइडेन वैसे भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं है बाल सफेद कर लिए उसने इतने तो वो भी समझदार है एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मैसेज सीम्स टू हैव रीज रियाद एज वेल सऊदी ने भी बेसिकली अभी कतर के खिलाफ जो चार साल से ब्लॉकेट चल रहा था उसको रिमूव कर दिया एंड अब हो सकता है पॉजिटिव स्टेप्स आपको यमन कंफ्लिक्ट में भी देखने को मिल जाए थिंग्स दिस

अगला सवाल मैंने पूछा था होप मिशन के बारे में तो क्या यूएई फिफ्थ कंट्री है टू रीच द मार्शियन ऑर्बिट बिल्कुल सही बात है दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो मार्शियन वेदर को स्टडी करना है मार्शियन वेदर को स्टडी करना ना कि पास्ट माइक्रोबियल लाइफ कैश ये सॉइल सैम्पल ये सब चीज़ें नहीं तो पहला पहला सही है दूसरा गलत है वन ए विल बी दी आंसर फॉर दिस अगला सवाल है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में इसका आंसर अच्छा है सी दोनों ही सही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है ये एंड दूसरी चीज़ इसमें बेसिकली वही कि जो लड़कियां हैं उनका इंटरेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में बढ़ाने के लिए ठीक है ना तो रिमेंबर दीज क्वेश्चन एज वेल आई होप यू गॉट क्लैरिटी कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कल की न्यूज है एक्चुअली में बट कल संडे था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो थोड़ा इंक्लूड कर दिया द राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरीवेयर तो यह सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन याद रखेगा कभी भी आपको मेन सांसर राइटिंग करना हो तो आपको याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी रिसेंटली कि राइट द राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरीवेयर मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी भी समय आपने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड कहीं पर भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ठीक है ना सो दिस इज अ थिंग विच हैज बीन मेड क्लियर बाय द सुप्रीम कोर्ट ये याद रखेगा कि ये यूपीएससी प्रम्स में भी पूछ सकता है किसी भी स्टेटमेंट टाइप में और आपको मेंस में तो बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा ठीक है ना सो so, एक पिटीशन गया था जिसमें शाहीन बाग केस को लेकर के एक पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट में बस सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया और ये कहा क्लियर कट कि आपके पास इतना राइट नहीं कि आप कभी भी, भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो और किसी भी एरिया में कहीं पर भी चले जाओ ठीक है ना सो दिस इज द थिंग विच बीन मेड क्लियर बाय द सुप्रीम कोर्ट सेकेंड है कि चाइना हैज बैंड बी बी सी वर्ल्ड न्यूज़ फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग इन द कंट्री चाइना ने बी बी सी वर्ल्ड न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया है इन द कंट्री एंड चाइना हैज़ बैंड द वर्ल्ड न्यूज ऑन ट्वेल्थ फेबररी फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग इन दर कंट्री अब ये क्यों आया अनाउंसमेंट आफ्टर द ब्रिटिश रेगुलेटर ऑफ कॉम विडड्रॉ ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस फॉर स्टेट ओन्ड चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क तो चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए जैसे ही उन्होंने लाइसेंस को विदड्रॉ किया ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ने वैसे ही बी बी सी वर्ल्ड न्यूज़ को चाइना ने हटा दिया अगली न्यूज़ है सेकेंड फेज़ ऑफ़ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड अब विज्ञान ज्योति प्रोग्राम आप सबको पता है क्या है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है ये अभी इसका सेकेंड फेज चालू किया गया है और इसमें गर्ल्स के लिए बेसिकली है कि वो इंटरेस्ट लें इन द साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथेमेटिक्स में रहें तो ये बेसिकली होगा क्या कि द प्रोग्राम वुड स्प्रेड फॉर टू मोर देन फिफ्टी फिफ्टी मोर डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन तो टू द फिफ्टी डिस्ट्रिक्ट एक्ट्रॉनॉमी अभी पचास डिस्ट्रिक्ट में था और पचास और में ये स्प्रेड होगा एंड ये क्या होगा कि लड़कियों को इंजीनियरिंग में लाने के लिए काफ़ी मददगार होगा ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इंटेलेक्ट इंक्रीज देयर एजुकेशन और उनको और ज्यादा मल्टी डायमेंशन एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा विज्ञान ज्योति प्रोग्राम ठीक है ना मल्टी डेवलपमेंट होगा मल्टीपल फील्ड्स uh, में आप डेवलप कर सकते हैं ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2019 में इसको लॉन्च किया था कब लॉन्च किया था 2019 में लॉन्च किया था यह भी आपको याद रखेगा और 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में अभी तक इंप्लीमेंटेड 50 और में जाने की बात की जा रही है अगली न्यूज है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड स्ट्रोंगेस्ट ऑप्टिकल फ्लेयर वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट ऑप्टिकल फ्लेयर इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट इज सुपर मैसिव ब्लैक होल और ब्लेजर याद रखिएगा सुपर मैसिव ब्लैक होल को ब्लेजर बोला जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल को ब्लेजर कहा जाता है इसका नाम है बी देखो लिखा हुआ है याद रखना इस चीज को सुपर ब्लैक होल और ब्लेजर जिसका नाम है बी तो यूपीएससी आपसे ऐसे पूछ ले कि रिसेंटली बी एल लेसरटे वॉज इन न्यूज वॉट इज दिस तो फिर वहां पर आपको ब्रेल लिपि और ये सब वो ऑप्शन देगा तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ब्रेल लिपि मत कर देना है ब्लैक होल है और सुपर मैसिव ब्लैक होल को ब्लेजर कहा जाता है

फॉसिल्स ऑफ डिकिन फाउंड एट भीम बेटका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉसिल ऑफ डिकिन सोनिया फाउंडेड भीम बेटका अब ये भीम बेटका कहाँ पर है ये आपका रायसेन अब्दुल्लागंज के पास है भोपाल के 50 किलोमीटर दूर पे भीम बेटका की गुफाएं मिल जाएगी आपको एंड भीम बेटका की गुफाएं आपको पता ही है कि अपर चैलकोलिथिक पीरियड से लेकर के मतलब बहुत पुराने पीरियड की पेंटिंग्स भी यहाँ पे मिली हैं ठीक है ना तो नाव मिले हैं विच आर एमंगाइव फिफ्टी मिलियन ईयरस ओल्ड 550 मिलियन ईयरस हो डिन के हैं कहाँ पे मिले ऑन द रूफ ऑफ भीम बेट का रॉक शेल्टर्स 40 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल है ना सिचुएटेड 40 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल डिकिनसोनिया रूफ ऑफ द भीम बेट का शेल्टर्स यहाँ पे मिला है है ना डिकिनसोनिया का एंड यू कैन आइडेंटिफाई द फॉसल फ्रॉम द वाइट लीफ लाइक पैचेस विद सेंट्रल वर्टिब्रा यानी सेंट्रल मिड्रिप भी देखने को मिलेगा आपको एंड वाइट व्हीट लाइक वाइट लीफ लाइक पैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे कनेक्टिंग वीन्स देखने को मिलेंगी है ना एंड जो सबसे बड़ा फॉसिल है वो सत्रह इंच बड़ा है एंड दूसरे बाकी जो दो हैं वो थोड़ा छोटे हैं ठीक है न फॉसिल ऑफ डिकन सोनेज बी फाउंड एट द भीम बिट रॉक शेल्टर्स और ये काफी इंपॉर्टेंट है भीम बेट का एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये भी आदरखेग वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आता है, है ना तो दैट इज अनदर फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गोट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है सो यू कैन मूव विद मी अब ये न्यूज पता नहीं क्यों पिछले तीन दिन से हर दिन आ रही है, है ना आ, हर दिन लगभग ये न्यूज आई है फार्म इनकम मिशन ऑफ टारगेट अब यहाँ पे फार्म इनकम के लिए एक मिशन चला था जिसमें बोला था डबलिंग फार्मर इनकम्स बाय 2022 फार्मर इनकम को डबल करना था बाय 2022 यानी 2022 तक फार्म इनकम को डबल करना था ठीक है ना अब यहाँ पे जो न्यूज रिपोर्ट है वो उसका ये कहना है कि ये जो चीज़ है ये अपना टारगेट मिस कर गई है दिस हैज़ मिस्ड इट्स टारगेट क्यों ऐसा उन्होंने कहा है ऑफ़ टारगेट क्यों चल रहा है क्योंकि पहली चीज़ तो आपके पास प्रॉपर कोई सर्वे नहीं है सर्वे नहीं है जिसमें आप मतलब कोई रेफरेंस नहीं है कि आपको किससे इंक्रीज करनी भाई किस चीज़ के डबल इनकम करनी है आपके पास एक प्रॉपर रेफरेंस तो होना चाहिए दूसरी चीज़ यहाँ एक कमेटी बनाई गई थी फॉर फार इन डबलिंग फार्मर्स इनकम अगर आपको याद हो अशोक दलवाई कमेटी ये देखो लिखा हुआ है नाम अशोक दलवाई कमेटी थी इट वॉज़ ऑन द डबलिंग फार्मर्स इनकम तो इसको भी याद रख लेना कि अशोक दलवाई कमेटी बनी थी फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम तो उसने भी ये कहा है कि हमने जो बेसिक ले लिया है वो एन का डेटा नाइनटी दो हज़ार तेरह का डेटा ले लिया है दो हज़ार तेरह में जो बेसिक इनकम थी एक साल की वो संतान ने नाइन्टी सेवन थाउजेंड थी इसी लिए नाइन्टी थाउजेंड थी थ्री नाइन्टी सेवन थाउजेंड थ्री और अब जो टारगेट है डबलिंग के अंतर्गत तो वो दो लाख पर एन रुपीज़ टू लाख पर एन करना है फ्रॉम द फ्रॉम बोथ फार्म्स एंड नॉन फार्म इनकम बाय 2022 तो 2022 तक इसको फार्म एंड नॉन फार्म इनकम के हिसाब से दो लाख रुपए कम से कम कमाने चाहिए अब इसमें कुछ स्ट्रेटजीज थी जो अशोक दलवई जी ने बताई थी सेवन स्ट्रेटजीज आर दे याद रखेगा सात स्ट्रेटजीज हैं जो कि बताई गई हैं अशोक दलवई द्वारा पहली है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी पहली क्या है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी दूसरी है सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज पहली तो क्या किया क्रॉप और लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना है दूसरा कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है थ्रू एफिशियंट यूज़ ऑफ रिसोर्स तीसरा है हायर क्रॉपिक इंटेंसिटी क्रॉपिक इंटेंसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है चौथा है डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने की जरूरत है देन है बेटर प्राइज रियलाइजेशन प्राइजेज आपको अच्छे मिले ऐसी इसकी जरूरत है देन शिफ्ट टू नॉन फार्म जॉब्स शिफ्ट टू नॉन फार्म जॉब मतलब कि आपको थोड़ा डाइवर्सीफाई भी करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको किसान बन के रहना है या आप रूरल इकोनॉमी के पार्ट है तो सिर्फ आप खेती या फील्ड में वही काम करना आपको कुछ नॉन फार्म जॉब्स भी ले सकते हैं आप फूड प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो डाइवर्सिफाई करे आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद करे सो दीज आर द थिंक विच आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है यू होप प्रोब सेंड्स होम फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स तो यू का जो होप प्रोब है यानी कि होप मिशन है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सेंडिंग द फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स ये भी मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था, था कि ये इसका एक जो नाम है अल अमाल है इसका नाम क्या है अगर आप ये यू का उस लैंग्वेज में नाम देखो तो अल अमाल दिस इज द नेम ऑफ दिस मिशन जिसको होप बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है ना और ये फोटोग्राफ जो भेजी गई है और ये बेसिकली इट विल एस्पायर इंस्पायर द यूथ ऑफ यू रीजन जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है और वेस्ट एशिया वाला रीजन है उसको करेगा प्लस ये जो मिशन था इट विल मार्क द फिफ्टियथ एनिवर्सरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन सेवन एमिनेट्स तो सात एमिरेट्स जो थे यू के उनका मर्जर जो है यानी कि यूनिफिकेशन जो है वो इसी दिन पचास साल पहले हुआ था तो होप मिशन उसको भी मतलब कि उसको एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है देन ये फिफ्थ कंट्री बनेगी यू जिसने जो कि मार्शन उस पर एंट्री किया है जिसने की और ये जो मिशन चलेगा लगभग सिक्स डेज तक चलेगा इट विल ऑर्बिट द रेड प्लानेट फॉर अराउंड सिक्स डेज तो ये भी मैंने आपको बता दिया होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे